सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? आज अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज हम लेसन नंबर 6 यानी पाठ क्रमांक 6 कारक देख रहे थे पहले भाग में। आज उसका अगला भाग देखेंगे, ठीक है? ये तख्ता मैंने आपको समझाया था भाग नंबर 1 में, कारक, विभक्ति, परिसर्ग और ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो कारक क्या है और विभक्ति परिसर क्या है? कारक में जो तक्ते में जो आते हैं, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन इत्यादि। और विभक्ति परिसर क्या है? ये इसी का हिस्सा है। तो कारक के बिना विभक्ति परिसर्ग और विभक्ति परिसर के बिना कारक वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्यों का स्पष्टीकरण हमें पूरी तरह से मिलता नहीं है। हाँ, तो वो एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर है और किस तरह से वो एक हिस्सा है वाक्य का, वो हम जानते हैं। अब पहला क्या है कारक, देखिए। पहला कारक है कर्ता कारक, ठीक है? अब कर्ता कारक का एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। पुलकित ने पत्र लिखा। तो किसने लिखा पत्र? पुलकित ने, ठीक है? नमन चित्र बनाता है, किसने बनाया? तो नमन ने। हाँ, पत्र किसने लिखा? तो पुलकित ने लिखा। नमन नमन ने क्या किया? तो चित्र बनाया। देखिए, नमन चित्र बना रहा है। तो यहाँ पे व्यक्ति रूप भाव से कर्ता कौन है? तो पुलकित और नमन, ठीक है? तो कर्ता यानी क्या कि जो काम कर रहा है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? पुलकित कर रहा है। और यहाँ पे चित्र कौन बना रहा है? तो नमन। तो ये दोनों क्या हो गए? कर्ता। तो यही पे देखिए, पहले इसमें कर्ता में कारक कर्ता है, ने विभक्ति शब्द है। तो वाक्य में किस तरह से उसका प्रयोग किया है, देखिए। अक्षिता, अक्षिता क्या है? अक्षिता ने गाना गाया। हाँ, तो अक्षिता क्या हुई? किसने गाना गाया? अक्षिता ने। तो अक्षिता हुई कर्ता। और ने क्या हो गया? ने लगाने से वो वाक्य पूरा हो गया इस तरह से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे कारक क्या आता है? कर्म कारक। हाँ, अभी पहले हमने क्या जाना कि कर्ता कारक, अभी क्या जानेंगे? कर्म कारक, कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? मिशिका तबला बजा रही है, ठीक है? माँ बच्चे को पढ़ा रही है। अब मिशिका, ये क्या हो गया? कर्ता कारक। लेकिन क्या कर रही है? तबला। क्या कर रही है? तबला बजा रही है। क्या बजा रही है? तबला। यही पे भी वही है, माँ बच्चे को पढ़ा रही है। किसको पढ़ा रही है? बच्चे को। माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है। तो माँ क्या हो गई? माँ हो गई कर्ता। और ये किसे पढ़ा रही है? बच्चे को। तो ये हो गया कर्म। हाँ, तो इसके लिए इसे हम कर्मकारक वाक्य बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द पर कर्ता को क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अब क्रिया का फल पड़े यानी क्या? जिस शब्द पर कर्ता को क्रिया का फल पड़े यानी वो कोई कर्ता है, वो क्या कर रहा है? तो तबला बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई पढ़ा रहा है, तो उसे कर्म कारक आप कहते हैं। जब क्रिया होती है गाने की, पढ़ाने की, तब उसे आप कर्म कारक कह सकते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है। हाँ, अब यहाँ जानिए, तक्का देखे थे ना हम, तो कर्म जब आप करते हो या कोई क्रिया करते हो तो को लगाने से, को विभक्ति लगाने से क्या होता है? वो वाक्य पूरा हो जाता है। यहाँ भी देखिए, एक वाक्य दिया है, अंकित ने चोर को पकड़ा। अब अंकित कौन है? कर्ता कर्म है। और किसे पकड़ा? चोर को। तो को ये क्या हुई? विभक्ति शब्द हुआ या परसर्ग शब्द हुआ, ठीक है? आगे देखते हैं।
ये तख्ता हमें उसी का ज्ञान दे रहा है। फिर से जानते, जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्मकारक कहते हैं। कर्मकारक को विभक्ति को है। इसे पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व क्या तथा किसको का प्रश्न किया जाता है। जो उत्तर मिलता है वह कर्मकारक होता है। मतलब हम कोई क्रिया करते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, तो गा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अभ्यास पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो ये कर्मकारक शब्द है। ठीक है, जिसे कर्म से, कर्मकारक शब्द से और विभक्ति शब्द से जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। कर्मकारक में कभी को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। कर्मकारक में कभी को, कर्मकारक में कभी को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि जब हम कर्मकारक में कभी वाक्य बनाते हैं तो को करके हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कभी करते भी नहीं है। वो वाक्य पे निर्भर होता है कि हम वाक्य पे ही निर्भर होता है कि हम कहाँ पे विभक्ति लगाए और कहाँ पे वाक्य किस तरह से पूरा कर, मतलब किया जाए उस वाक्य को। ठीक है, यानी पहले आएगा क्या, कर्ता कारक, फिर उसके बाद आएगा क्या, कर्म कारक। हाँ, कि कोई कर रहा है तो कर्ता कारक और क्या कर रहा है तो कर्म कारक। ठीक है, ध्यान से सुनिए उसका फर्क। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है तख्ता में, तीसरे नंबर पे है कारक कौन सा है, करण कारक। अब करण कारक क्या है उसका ज्ञान लेते हैं। अब ये चित्र में गाड़ी चला रहे हैं और ये चित्र में क्या कर रहा है, एक लड़की पढ़ाई कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। देखते हैं, वंश कार से स्कूल जाता है कि नहीं। अब करण कारक क्या है, अब भाई वंश अगर स्कूल में जाता है तो किससे जाता है, कार से जाता है कि नहीं, तो किससे जाता है, कार से, तो ये क्या हुआ, करण कारक हुआ। ठीक है, काव्या पेंसिल से लिख रही है, किससे लिख रही है, काव्या पेंसिल से लिख रही है, तो अगर पेंसिल नहीं होती तो काव्या कैसे लिखती, या वंश कार नहीं होती तो स्कूल कैसे जाता। तो ये जो है जिसके भाव मतलब बताए है कि पेंसिल से लिख रही है या वो कार से जा रहा है, तो ये करण कारक शब्द हुए। हाँ, किससे लिख रही है, पेंसिल से, तो पेंसिल और कार क्या हुए, करण कारक शब्द हुए। जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है कि नहीं, मतलब जिससे कार्य पूरा होता है कि हम कार से जा रहे हैं, हम मतलब पेंसिल से लिख रहे या पेन से लिख रहे हैं, तो जिस कारण से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से के, करण कारक की विभक्ति से के द्वारा है। देखिए ये तख्ता में है। अब ये जो करण कारक है, हाँ, ये जो कारक है, इसके क्या वाक्यों में प्रयोग, कौन से शब्द होते हैं विभक्ति के, से और के द्वारा। अब इसके आगे भी एक वाक्य दिया है, उसे भी देखिए। विभा कार से स्कूल जाती है। हाँ, जैसे वंश कार से स्कूल जाता है, उसी प्रकार कार और पेंसिल ये क्या हुए, करण कारक शब्द। हाँ, जिनके सहायता से कोई भी कार्य पूरा होता है उसे क्या कहेंगे, करण कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से के द्वारा होती है। जब हम बोलते हैं कि कार से, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना वंश कार स्कूल जाता है तो अधूरा अधूरा सा लगता है, लेकिन जब उसे से नाम शब्द की विभक्ति लगती है या से नाम से यहाँ पे भी देखो विभक्ति लगी है तो शब्द और वाक्य पूरा हो जाता है और वो पूरी तरह से करण कार्य करण कारक कहलाता है। जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, पेंसिल या कार से कार्य पूरा यहाँ पे हो रहा है ये वाक्य में, और से ये विभक्ति लगा के वाक्यों का स्पष्टीकरण और भी अच्छी तरह से हमें मिलता है। और इसी तरह से विभक्ति परसर्ग और करण कारक वाक्य बनाते वक्त इनका प्रयोग किया जाता है। ये भाग यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगली भाग में। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।